विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। क्यों बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों की हुई बुरी हालत? क्यों संजय लीला भंसाली की होती है फिल्में सारी हिट? क्यों खास है संजय लीला भंसाली की फिल्म बैजू बावरा? हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सुरभि गुप्ता, और ये रही आप सभी के लिए आज की बॉलीवुड की खबर। बात करते हैं बॉलीवुड के बारे में, जिसकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ऐसे पिट रही हैं जैसे कि मानो धोबी घाट पर कपड़े। क्या आमिर और क्या सलमान, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान, जिनकी हर फिल्म के लिए लोग साल भर का इंतजार करते हैं, उन्हीं की 4 साल के लंबे इंतजार के बाद बनी फिल्मों को लोगों ने घास तक नहीं डाली। पर ऐसा क्यों? तो देवी और सज्जनों, इसका रीजन है काफी ज्यादा सिंपल। रीजन है पैंडेमिक की मार, और पैंडेमिक के बाद लोगों का ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ डाइवर्जन। लोग अब 30 सेकंड से भी ज्यादा की रील को स्किप कर देते हैं, तो भला क्यों ही वो जाएंगे 3 घंटे की एक ऐसी फिल्म को देखने जो कि वो इजीली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जाके देख सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो कि आमिर खान मानने से सख्त इनकार भी कर रहे हैं, और वो है कि फिल्म एक रीमेक है। ये फिल्म द फॉरेस्ट गम का ही रीमेक है, पर इंडियन वर्जन में। और सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब फिल्म की एक्ट्रेस ने कह दिया कि ये फिल्म इंडियन ऑडियंस के लिए है, जो कि फॉरेस्ट गम जैसी एलीट फिल्म को नहीं समझ सकती। यानी सीधे सीधे ऑडियंस को ही बेवकूफ कह देना कि उन्हें तो अच्छी फिल्में पसंद ही नहीं आती। अब ऐसे में ऑडियंस ने भी अपनी पावर दिखा दी। आमिर की फिल्म फ्लॉप होने पर बॉलीवुड को ऐसा झटका लगा है मानो इसने वो लक्ष्मण रेखा पार कर ली है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। और ये बात संजय लीला भंसाली की फिल्म ने भी साबित की है। जहां बॉलीवुड की हाईली एंटिसिपेटेड मूवीज पिट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय लीला भंसाली की फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट बनकर उभरी है। और ना सिर्फ ये हिट हुई, बल्कि इसने आलिया भट्ट को भी एक बेहतरीन एक्ट्रेस के रूप में सबके सामने पेश किया है। संजय लीला भंसाली ने ये साबित किया है कि वो किसी भी एक्टर के फुल पोटेंशियल को बखूबी रूप से निखार सकते हैं, जो कि सालों साल तक लोगों के जहन पर छाया रहता है। अब संजय लीला भंसाली अपने इन सभी स्पेशल एलिमेंट्स को एक साथ एक बेहतरीन फिल्म के रूप में लाने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म बैजू बावरा के बारे में, जो कि एक म्यूजिकल पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है। यानी फिल्म में होंगे एक से बढ़कर एक गाने, जो कि हम जानते ही हैं कि संजय लीला भंसाली खुद ही कंपोज करने वाले हैं। यानी म्यूजिक के फैंस के लिए होगी एक बहुत ही स्पेशल ट्रीट। साथ ही फिल्म एक पीरियड ड्रामा है, यानी कि फिल्म में राजा महाराजाओं की बड़ी बड़ी सभाएं दिखाई जाएंगी। मतलब फिर से ग्रैंड डोज ऑफ सेट्स, और ऊपर से एक रोमांटिक डिपिक्शन, जो कि संजय लीला भंसाली के लिए कोई नई बात नहीं है। देवदास पारो, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्मों में हमने देखा ही है कि कैसे संजय लीला भंसाली अपने कैरेक्टर्स को लार्जर देन लाइफ की तरह प्रेजेंट करते हैं। यानी कि ऑडियंस को मिलता है एक सुपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, और इस बार ये एक्सपीरियंस होने वाला है बेहद ही खास, क्योंकि फिल्म में होने वाले हैं एक से बढ़कर एक संजय लीला भंसाली के सुपरहिट कंपोजिशंस। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए? आखिर आपको क्या लगता है फिल्म में कौन से एक्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं? अपने व्यूज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगले वीडियोस और अगले अपडेट्स के लिए बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ।